Hello my dear respected viewers, welcome you all to the YouTube channel Life is Awesome Civil Engineering Plans. तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्टेयरकेस ग्राउंड फ्लोर में कितना स्टेप्स आते हैं और कितना जगह चाहिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हम आपको। आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। एंड कितना जगह चाहिए, ये वाले पोर्शन में किस तरह से बनाना चाहिए, अभी मैं आपको फुल व्यू दिखा दूंगा स्टेप्स का। एंड अभी फ़िलहाल शुरू हो चुका है कंस्ट्रक्शन का महीना, बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं ऑलमोस्ट इस एक वक्त पे। एक बार फुल व्यू देख लीजिए आप, ये आपका फुल व्यू, उतना कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा शायद आपको। इस घर का जो है प्लान का फुल वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़ वहाँ पर। ये सिंपली सपोर्टेड बीम पे सपोर्ट किया गया, बट ये एक समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से शायद नहीं करना चाहिए था इसे। तो देखिए व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट वाला, ये टोटल इसका विड्थ रहेगा, ये इसको हम थ्रेड बोलते हैं, थ्रेड का विड्थ रहेगा टोटल 11 इंच का रहेगा। एंड राइजर का हाइट, ये आपका राइजर, इसका हाइट रहेगा लगभग आपको 6 इंच या फिर 7 इंच आप ले सकते हैं। एंड टोटल ये जो एंगल रहता है ना 25 to 30 डिग्री के बीच में रहना चाहिए ये वाला एंगल, ये एंगल। एंड फिर नेक्स्ट ये अभी स्टेप्स आप देख सकते हैं, करीब 12 फीट में बना हुआ है, 12 से 13 फीट में। एक स्टेप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, करीब 13 स्टेप्स है प्लस लैंडिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रॉड्स। ओके, यहाँ पर जब आप बीम डालते हैं ना, बीम या फिर लैंडिंग डालते हैं, उसी वक्त जो है इसके अंदर रॉड इंसर्ट किया गया। ये जो रॉड कितना रहना, इसका लेंथ जो है L/4 के हिसाब से रहना चाहिए। ओके, L/3 बोले तो करीब 33% रहेगा, L/4 बोले तो 25% ऑफ द टोटल लेंथ, 25% 50% और 25%। ओके, एंड यहाँ पर मुझे कुछ सरप्राइजिंग है, जैसे कि एक्चुअली ये जो बीम देख रहे हैं ना, इसका टोटल लोड जो है कॉलम पे आना चाहिए, तो अभी फ़िलहाल ये कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, कोशिश कर लीजिए ये याद रखने की बात, इस तरह से आप ना करें। ओके दोस्तों, कॉलम बनाया गया बट कॉलम पे सपोर्ट नहीं दिया गया स्टेयरकेस का, ये टोटल सपोर्ट है बीम पर ही, ये स्टेयरकेस का बीम जो रहता है ना उस पर ही सपोर्ट दिया गया पूरा कंप्लीट। तो कॉलम का फ़ायदा आप इस्तेमाल नहीं लिए तो शायद फ़ायदा नहीं है, आप इसका एक फ़ायदा लिए तो आपको बेटर रहता है। ओके, अगर आप कॉलम लिए तो कॉलम का सपोर्ट इस पर ज़रूर लीजिएगा। ओके, नहीं तो कॉलम लेके फ़ायदा क्या है। ठीक है दोस्तों,